से पीछे की ओर झुकिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन को धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए, सिर को घुटने पर लगाने का प्रयत्न करें, जितना प्रयास कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए चार अश्व संचालन आसन, बड़े पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए, दाएं पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ, दोनों पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, उंगलियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, अष्टांग नमस्कार, हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने आठ होंगे, दो पैर दो घुटने दो हाथ आगे की ओर शायद करते हैं को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान, नाभि को देखना नाम को अश्व संचालन आसन की स्थिति बना, अपने दाएं पैर को भंग आगे लिया है, बस दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन, सिर को घुटने की ओर लगाने का प्रयास, ग्यारह हस्तोत्तानासन, एक चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कमरों को ढीला छोड़ दीजिए, अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए, पेट पर्वतासन, पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर उंगलियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को दृष्टि नाभि की ओर, बाएं पैर को आगे रखते हुए अश्व संचालन आसन, चार में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, नौ में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया, दस पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आ गया, ग्यारह श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए, बारह नमस्कार मुद्रा, धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया, सामान्य स्थिति में जिसमें इनके किसी भी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आपकी बाल के मार करके सामान्य बैठकर रह सके, हाथों को घुटने पर रख कर श्वास लेने की प्रक्रिया में सबके लिए नहीं है, जिससे उत्तर ही किया है, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो बताए गए आपसे नासिका को बंद करेंगे, दाहिने नासिका को और अनामिका द्वारा बाएं नासिका को, एक एक करके नासिका से श्वास लेना है, सूचना के अनुसार दाएं से शुरू करना है, दाहिने नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से, हाँ दाहिना बंद, दाएं से श्वास लेंगे धीरे धीरे, पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए, बिना रोके धीरे से
बाएं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। हाँ, दूसरे को बंद करके